हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका लकी फैमिली बुंतर में। तो गाइस, आज स्पेशल ब्लॉग होने जा रहा है क्योंकि माता रानी का मंदिर है धारगन, उपासना माता जी का। तो बस कुछ ही टाइम में हम निकलने वाले हैं यहाँ से, इसके बाद आपको भी दर्शन करवाएंगे टेम्पल का, उपासना माता जी का। तो आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड गाड़ी जा रही है, तो आप भी इंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए। तो कुछ ही टाइम बाद हम आपको ले चलते हैं धारगन मेला, जो कि पूरे हिमाचल में फेमस है। तो अभी मैं जिस जगह पे यहाँ पे खड़ा हूँ, इस विलेज का नाम है नंगोठी विलेज। तो यहाँ से भी रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये स्कूल है मेरे बैक साइड पे, और ये है जोड़ा नारायण जी का टेम्पल। यहाँ से हम पैदल ट्रैक करते हुए जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे उपासना माता जी का। यहाँ से एक घंटा तो हमें लग ही जाएगा अगर मौसम ने साथ दिया। आप देख सकते हैं मौसम भी ख़राब है, तो सुबह 2 बजे बारिश हुई थी, तो अभी थोड़ा मौसम रुका हुआ है। तो बस कुछ ही टाइम में हम जाने वाले हैं, फैमिली का वेट कर रहे हैं अभी, उसके बाद ले चलते हैं आपको माता के टेम्पल। जय माता दी। ये है यहाँ पर नंगोठी के पास नेचुरल सोर्स वाटर। जय भोलेनाथ, जय हो जोड़ा नारायण जी की। बुरी शक्तियों से दूर ही रखे हमारे को। तो गाइस, अभी हम चल पड़े हैं धारगन मेले को, उपासना माता के टेंपल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैडम जी पहुँच चुके हैं। हाँ जी मैडम जी, पूरी तैयारी है आपकी? यस सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये एप्पल के ट्री लगे हैं यहाँ पे, रास्ते पे जाते जाते सोचा कुछ खा लेते हैं। खाते खाते जा रहे हैं, बिकॉज आज हमारा फास्ट है, तो फ्रूट ही खा सकते हैं। तो चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं दर्शन, और आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम पहुँचने वाले हैं धारगन मेले को। तो यहाँ पर अभी कैमरा ऑन किया है मैंने, तो बस थोड़ा सा रह चुका है यहाँ पर, देख सकते हैं ग्राउंड। और थोड़ा सा और है अभी हमारे को, एक आधा एक घंटा हुआ है चलते, तो बस अभी आधे घंटे का सफ़र और है। आप देख सकते हैं हालत पसीना पसीना हो चुके हैं, और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट से होते हुए जाते हुए। हेलो मैडम जी, पहुँच गए हैं कि नहीं? ऑलमोस्ट हाफ वे क्लियर। कितना टाइम रहा? आई थिंक 25 मिनट्स। चलो लेट्स गो। नेचुरल वाटर सोर्सेज यहाँ पे बहुत ही कूल है, एंड हम इसे अपनी भाषा में बोलते हैं लाल पानी रहा मोगरू बोला के पड़ा। देसी भाषा न बोला सी। ये लाल मिट्टी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लाल मिट्टी है यहाँ पे, इसलिए इस जगह का ही नाम है लाल मिट्टी, लाल पानी। चलो जी चलो, बहुत खूबसूरत जगह सी। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं धारगन मेले को, तो बस कुछ ही 2-4 मिनट का रास्ता रह चुका है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे व्यू, तो उसके बाद करवाएंगे आपको दर्शन उपासना माता के, तो बने रहिए व्लॉग में। फाइनली पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं जय माता रानी। आप तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जय हो और उपासना माता। क्राउड देख सकते हैं आप, भीड़ कितनी है। हेलो माता, जय माता दी। तो गाइस, क्राउड देख सकते हैं जय माता रानी। नमस्कार जी। Thank you.
दरबार में, बने रहिए ब्लॉग में, आगे आपको और भी बताएंगे व्यू दर्शन करने के बाद। सभी रौनक आई है फेस में, कौन कौन आए सारे, बाय बाय। अभी दर्शन करने के बाद अभी हम माता का प्रसाद करेंगे, क्या मिलता है घी और शिटू, हमारी गाड़ी आ चुकी है, हमारी गाड़ी आ चुकी है। घर से कुछ नहीं खाया, हम आप खाएंगे घी शिटू, फिर घूमेंगे मेला के बाद, पहले पेट पूजा फिर टाइमिंग। ये आप देख सकते हैं आज भद्र माता उपासना में घी और शिटू का प्रसाद मिलता है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पे उपासना माता टेम्पल, यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, यहाँ पे जलेबी और भी कुछ, यहाँ पे बहुत सारी आइटम लगी हुई है। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्राउड देख सकते हैं आप कितना है। प्रसाद खा के माता जी का अब हम फ्री हो चुके हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे जा देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पर, फुल क्राउड एंड पासना माता टेम्पल भाई। आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत खुशी मिली आपसे मिलके, बढ़िया शुक्रिया, आपके मेले में आए बहुत अच्छा लगा। माता का मेला, माता का, जय माता दी। कहाँ जा रहे,
आगे तक। ओके नाइस टू मीट यू, ये हमारे ड्रीम फोटोग्राफी स्पेशली प्रोफेशनल। यहाँ पे आप स्टॉलमेंट और भी कुछ यहाँ स्टॉल देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब यहाँ पे स्टॉल कुलचे छोले वाले जो इतनी दूर से आए हुए हैं। और वही हीरो कैसा है, बुंतर में है ना? नमस्ते आंटी जी, ठीक है। कब के आए आप, कल के परसों के? क्या रेट दिया है? 40 रुपये। बढ़िया बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हैं चुलके छोले, ये हमारे पड़ोसी भाई जी। नमस्कार, कैसे हैं? वाह जी वाह, चने भटूरे कुलचे छोले, बहुत मशहूर कुलचे छोले, इनके बुंतर में भी रेड़ी लगती है एयरपोर्ट गेट के सामने और यहाँ पे भी। भाई साहब यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं, मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्यूटीफुल लोकेशन है, हिल्स के ऊपर टेंपल। यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं फास्ट फूड वगैरह और भी कुछ यहाँ पे आप खा सकते हैं। ये उपासना माता का टेंपल है, यहाँ पे हम दर्शन करने आए थे। ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस, आप भी आइए इंजॉय कीजिए। सभी घूम फिर के हम रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को मिल गए मेरे साथी। या जो एक बार गुआच गए तो वो नहीं मिलते हैं। गुआच गए क्या होता है? गुआच गए मींस गुम हो गए। अच्छा चलो हम ढूंढ लेते हैं माता के मंदिर में। फिर वो चल रहा है भीड़ में, उन्हें ढूंढना सोई है ऐना ऐना। और मम्मी ने मैचिंग की है ताओला ऐना का सूट। वाह एना का ड्रेस एंड मम्मा का मैचिंग ब्यूटीफुल ड्रेस एंड। ये भाई जी हमारे को जलेबी खिलाते हुए माता की तरफ से धन्यवाद जी। सो गाइस ये था हमारा आज का झारखंड माता पार्वती देवी का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको ये जरूर पसंद आया होगा। एंड मेक श्योर गाइस जो हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ। बाय बाय जी। सकते हैं यहाँ पे हमारी अभी वापसी हो रही है उपासना माता टेम्पो से। आप रोड देख सकते हैं यहाँ पे फुल ऑन जाम लग चुका है। अब ये तो शायद रात को ही पहुँचेंगे। नमस्ते और ठीक ठाक है? मिले थे अगले साल जब भी आइए तो टाइम से आइए, नहीं तो आप भी जाम में फंस सकते हैं। यहाँ पे बुरा हाल आप देख सकते हैं, कहीं भी जगह नहीं है, चारों तरफ गाड़ी इधर उधर, टू व्हीलर निकलने को भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी सर, कैसे? ठीक ठाक बढ़िया। चलो जाम होने तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल ऑन जाम लग चुका है, टू व्हीलर भी बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं और यहाँ पे कोई ट्रैफिक निकालने वाला भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी। यहाँ आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ठीक है भाई।